आइए ना एक साथ में कर दे। रणबीर कपूर को इतने कूल मूड में आपने पूरे 2014 में शायद ही देखा होगा। पिछले काफी वक्त से रणबीर कपूर खुद से मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनको ज्यादातर पैपराजी कैमरास ने ही कहीं आते जाते कैद किया है। उनकी मर्जी के बिना उन्हें कैमरे में कैप्चर करने का खमियाजा मीडिया पर्सन को कई बार कुछ इस तरह से उठाना पड़ा है। अरे बंद करना, तेरे को बोला ना मेरे पैसे मत पकड़ना। तू उधर मार, लेकिन तू उधर मारना, तू क्यों मार रहे तू? कल रात को रणबीर कपूर अपने दोस्त अयान मुखर्जी के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रणबीर अपनी गाड़ी से उतरे, अपना बैग लिया और जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़े, किसी ने उनसे फोटो क्लिक करवाने की रिक्वेस्ट की, जिसे रणबीर ने खुशी खुशी मान लिया। इतना ही नहीं, अयान मुखर्जी को भी उन्होंने अपने साथ बुलाया। दोनों ने फोटो क्लिक करवाई। रणबीर ने अपनी पार्टी का प्लान भी बताया। रणबीर वैसे पार्टी है डेट? विवन मियो। रणबीर के इस बदले हुए एटीट्यूड से कैमरामैन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वरना रणबीर के पूरे साल मीडिया के साथ रहे बर्ताव ने पैपराजी को थोड़ा परेशान किया था। कभी रणबीर ने किसी चैनल का कैमरा रख लिया, तो कभी माइक रख लिया, तो कभी उनके बॉडीगार्ड ने जूम को कैमरा बंद करने की धमकी दी। अरे बंद करना, तेरे को बोला ना मेरे पैसे मत पकड़ना। तू उधर मार, लेकिन तू उधर मारना, तू क्यों मार रहे तू? पर अब लगता है कि फिजा थोड़ी बदल रही है। इसकी वजह रणबीर का अच्छा मूड है या फिर उनकी आने वाली फिल्म रॉय? ये अभी कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि रॉय के प्रमोशन के लिए रणबीर को मीडिया की जरूरत पड़ेगी। वो रॉय को प्रमोट करने के लिए इवेंट्स में जाएंगे, मीडिया में इंटरव्यूज भी देंगे। हो सकता है इसलिए भी रणबीर का एटीट्यूड मीडिया के लिए थोड़ा बदला हो। रणबीर वैसे पार्टी है डेट? विवन मियो। रणबीर न्यूयॉर्क चले गए हैं, जहां न्यू ईयर वो कैटरीना कैफ के साथ मनाएंगे। तो उनकी सिस्टर करीना कपूर भी सैफ के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए स्विट्जरलैंड जा चुकी हैं। उम्मीद है इन स्टार्स के लिए नए साल के रेजोल्यूशंस इन्हें इनके फैंस के और करीब ले आएगा। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।